यहाँ यूपी से आए हम लोग, यूपी से कमाने दिल्ली आए थे, अब दिल्ली में भी यूपी की तरह ही रह रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं है। अब ये केजरीवाल सरकार को ये कुछ करना चाहिए ऑटो वालों के लिए, या तो ये फ्री का सिस्टम जो कर रखा है इसे बंद करें, ना आगे के लिए सरकार अपना ध्यान रखे। जा रहे सरकार को सोच ही नहीं रही है, गरीब आदमी को मार रही है बस। अमीरों का क्या, अमीरों के पास तो पैसा है, वो तो चाहे महंगा हो या सस्ता वो तो काम करते ही रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, गरीब कहाँ जाएंगे। गरीब दिल्ली में वो है कि कभी ऑटो वालों को ही बता रहा हूँ मैं, ऑटो वाला ऐसा करेंगे अगर यहाँ इंसान अकेला खड़ा होगा ना, उसके पास में अगर पैसे होंगे तो ऑटो वाला ही लेके भागेगा पैसा छीन के, क्योंकि उसके पास काम ही नहीं है तो क्या करेगा, गलती काम करेगा। इसलिए सरकार को ऑटो वालों की बात सुननी चाहिए। आस मोहम्मद, तो मैं जानना चाहती हूँ कि महंगाई की वजह से आप पर क्या असर पड़ा है? असर बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। सबसे पहली बात तो ये, हम बीवी बच्चे वाले आदमी अपना परिवार चलाते हैं और ये ऑटो चलाते हैं दिल्ली में, तो ऑटो के लिए काम सरकार ने नहीं छोड़ा है। केजरीवाल सरकार ने लेडीज़ों का किराया बस में फ्री कर रखा है, उसके साथ में जो आदमी आते हैं वो उनके इंतजार से वो भी बस में ही चले जाते हैं। ऑटो वाले घर से निकलते हैं सुबह 6-7 बजे और वो शाम को 400-500 रुपये लेके घर में घुसते हैं, उसके बाद में 16-17 हज़ार रुपये महीने की किस्त होती है गाड़ी की, तो वो किस्त भरेंगे या अपने फैमिली को पालेंगे। सबसे बड़ी बात ये, केजरीवाल सरकार को ये कुछ करना चाहिए ऑटो वालों के लिए, या तो ये फ्री का सिस्टम जो कर रखा है इसे बंद करें, ना आगे के लिए सरकार अपना ध्यान रखे। तो फ्री का सिस्टम आपके हिसाब से बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर फ्री करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ से कमाएंगे, क्या खिलाएंगे अपनी फैमिली को, तो सरकार बताए ना, ये या हमारे लिए कुछ दे सरकार, खाने को दे, किराए पर, किराए के रूम में रहते हैं, किराया 4-5 हज़ार रुपये महीना मकान मालिक लेते हैं, बताओ कहाँ से देंगे, नहीं कमाएंगे तो। देखिए काम भी नहीं चल रहा है आपका, बिल्कुल नहीं, ऊपर से महंगाई भी है, दूध के दाम बढ़ गए हैं, हर चीज़ पर महंगाई है। गैस देखो कहाँ 44 रुपये थी, 55 रुपये होगी, सुबह 52 रुपये का डलवा के लाए गैस, गैस पे दाम बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को सोच ही नहीं रही है, गरीब आदमी को मार रही है बस। अमीरों का क्या, अमीरों के पास तो पैसा है, वो तो चाहे महंगा हो या सस्ता वो तो काम करते ही रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, गरीब कहाँ जाएंगे। गरीब दिल्ली में वो है कि कभी ऑटो वालों को ही बता रहा हूँ मैं, ऑटो वाला ऐसा करेंगे अगर यहाँ इंसान अकेला खड़ा होगा ना, उसके पास में अगर पैसे होंगे तो ऑटो वाला ही लेके भागेगा पैसा छीन के, क्योंकि उसके पास काम ही नहीं है तो क्या करेगा, गलती काम करेगा। इसलिए सरकार को ऑटो वालों की बात सुननी चाहिए। और आप मोदी सरकार, आपने केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाया, मैं तो मोदी सरकार के समर्थन में हूँ, ये काम मोदी सरकार जो कर रही है बढ़िया है, क्योंकि सबसे पहले तो गुंडा राज नहीं है, कहीं भी अकेले रात को आप 12 नहीं 2 बजे चले जाओ, अकेले जाओ तो भी कोई तुम्हें कुछ टच करने वाला नहीं है। और बाकी जो सरकार होती थी, उन सरकारों में क्या होता था, अगर 2 आदमी भी जा रहे हो और 4 आ गए तो कुछ ना कुछ छीन के ले भाग जाते थे। अब कोई डर नहीं है सरकार में, डर सारा खत्म हो गया है, डर बिल्कुल खत्म हो चुका है, डर बिल्कुल खत्म है मोदी सरकार में, मोदी सरकार में। महंगाई जो बढ़ रही है, महंगाई तो ये बढ़ रही है, सो पहले 6,000 में हम नौकरी करते थे, किसी कंपनी में काम करते थे 6,000 रुपये मिलते थे, उस हिसाब से देखा जाए तो कोई महंगाई नहीं है। आज के दौर में 6,000 के 15,000 रुपये सैलरी हो गई है तो कहाँ महंगाई है बताइए, सैलरी तो बड़ी है और काफी, सैलरी के हिसाब से महंगाई नहीं है। पहले चीज 5 रुपये की आती थी तो 5,000 सैलरी थी, अब 10 रुपये की आती है तो 12,000 सैलरी है। आप जो कमाते हैं कुछ बचता है घर में? अभी दिल्ली में तो कुछ नहीं बच रहा, बस खाते हैं कमाते हैं और कुछ नहीं है, है कि सरकार ने घर में होते तो बचता कुछ, जहाँ फ्री नहीं होता है। देखो दुनिया, यूपी से आए हम लोग, यूपी से कमाने दिल्ली आए थे, अब दिल्ली में भी यूपी की तरह ही रह रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं है। अभी देखो यहाँ सवारी जो खड़ी है सब बस का इंतजार कर रही है, ऑटो है वो सारे खड़े रहते हैं। फ्री का सिस्टम जो केजरीवाल ने किया है वो बिल्कुल गलत है। तो आप बिल्कुल विरोध में है केजरीवाल के? केजरीवाल के विरोध में हूँ, मैं दिल्ली से वोटर हूँ, सीलमपुर बेलकम से। अब की बार मैं केजरीवाल को वोट नहीं करूंगा, पहली बार मैंने केजरीवाल को वोट किया, पूरे परिवार ने किया हमारे ने, बाकी मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, जितने भी ऑटो वाले हैं वो केजरीवाल को कोई वोट नहीं करेगा। किस लिए कि ये इसने जो फ्री का सिस्टम किया है ये बहुत गलत है। आखिरी सवाल है मेरा कि मोदी जी के लिए क्या कहेंगे, महंगाई तो उनकी वजह से भी बड़ी है। नहीं, मोदी सरकार बहुत बढ़िया पार्टी है और अब की बार मोदी को ही वोट देगा, मोदी ही आएगा, मोदी जी आएंगे। ठीक है, थैंक यू।